दोस्तों, यूरिक एसिड आर्थराइट्स की एक स्थिति होती है जो जोड़ों की सूजन की वजह से होती है, या जोड़ों, पैर के अंगूठों, एड़ी, टखनों, घुटनों या फिर हाथ के अंगूठे को भी प्रभावित करता है। गाउट रक्त में यूरिक एसिड नामक रसायन की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। वही जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। खाना पकाने के लिए बटर या वेजिटेबल ऑयल के स्थान पर कोल्ड प्रोसेस्ड जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। जैतून के तेल के इस्तेमाल से शरीर में अतिरिक्त यूरिक एसिड नहीं बनता। ओलिव ऑयल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है जो भोजन को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बनाता है और शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में लगातार यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता जा रहा है तो अपने भोजन में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। इसके लिए आप दलिया, ब्रोकली, चुकंदर, मूली, गाजर, खीरा आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे बॉडी में यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाता है। सेब का सिरका, चेरी का रस, बेकिंग सोडा, सेब और नींबू का रस अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। लहसुन, अदरक, जीरा, सौंफ, धनिया, इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल भी अधिक मात्रा में करें। भरपूर मात्रा में विटामिन सी लें। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हर दिन कम से कम 500 मिलीग्राम विटामिन सी लें। इसके सेवन से 1 से 2 महीने के भीतर ही यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाएगा। एक दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पिएं। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हाई यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि खून में मौजूद एक्स्ट्रा यूरिक एसिड पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होने पर दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी जरूर पीना चाहिए। तो अब जानते हैं दोस्तों, यूरिक एसिड बनने से परेशान तो क्या चीज़ें ना खाएं। दोस्तों, नॉनवेज खाने से शरीर में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाती है। अगर यूरिक एसिड की परेशानी है तो नॉनवेज खाने से परहेज करें। इससे दवाइयों का असर भी नहीं होता। बेकरी में बनी चीज़ों में फ्रूट प्रिजर्वेटिव मिला होता है जिससे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। केक, पैनकेक, पेस्ट्री, अंडे में प्रोटीन और वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन खाने से समस्या और बढ़ जाती है। चावल और साबुत दालें खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जोड़ों में सूजन और दर्द की परेशानी होती है। इनमें दोस्तों है चावल, पास्ता, अनाज, अंगूर। डिब्बा बंद खाना खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होती हैं। जैसे चिप्स, फ्रूट केक या ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं। फास्ट फूड और ठंडे पेय पदार्थ पाचन प्रक्रिया को बिगाड़ते हैं, जिससे बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाता है। शराब और बियर जैसे पदार्थों का सेवन शरीर को रोगी बना देता है। इन चीज़ों के सेवन से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। दही, अचार, ड्राई फ्रूट्स और पालक बंद कर दें। रात को सोते समय दूध का सेवन हानिकारक है दोस्तों। और मोटापे को कम करें, क्योंकि मोटे लोगों में प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ यूरिक एसिड लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तरबूज और दलिया का सेवन ज़्यादा करें। रोज़ रात में सोने से पूर्व 3 अखरोट खाएं दोस्तों। हाई यूरिक एसिड की शिकायत होने पर चेरी का सेवन फ़ायदेमंद होता है। इसके सेवन से ब्लॉकेज खुल जाते हैं और यूरिक एसिड भी कम हो जाता है। गठिया और यूरिक एसिड की समस्या का यह एक जाना माना प्राकृतिक उपचार है, जैसे कि अजवाइन में दर्द को कम करने एंटीऑक्सीडेंट और डायूरेटिक गुण पाए जाते हैं। ये एंटीसेप्टिक भी होते हैं दोस्तों। कई दुर्लभ मामलों में नींद ना आना, व्यग्रता, नर्वस ब्रेकडाउन आदि समस्याओं में भी अजवाइन और उसके बीज कारक फ़ायदेमंद है। अजवाइन का पानी पीने से भी यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। घृत कुमारी और आंवले का रस रोज सेवन करें और नारियल पानी का सेवन भी नियमित रूप से करें। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो यूरिक एसिड में खानी है और नहीं खानी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे मीडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।